फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जम्पशन चैप्टर में अमेंडमेंट्स। बट एग्जम्पशन चैप्टर के लिए हम कोई अलग से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। हमारी जो ओरिजिनल क्लास की रिकॉर्डिंग है उसमें से हम अमेंडमेंट वाला पोर्शन कट करके ये वीडियो बना रहे हैं। रीजन, अमेंडमेंट जो हुए हैं कुछ एग्जेम्पशंस कंप्लीटली हटा दिए गए, कुछ एग्जेम्पशंस नए ऐड हुए और कुछ एग्जेम्पशंस को आईसीएआई ने अपने सिलेबस से हटा दिया। ठीक है, तो इस चैप्टर के अमेंडमेंट्स पढ़ाना बहुत मुश्किल काम हो गया। ठीक है, बट पढ़ाने तो पड़ेंगे और आपको भी करने तो पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे क्लास के ओरिजिनल क्लास के वीडियोस थे उन्हीं से ही हम अमेंडमेंट वाला पोर्शन कट करके आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, बट जो हमारे ओरिजिनल नोट्स हैं उनकी भी एक कॉपी हम यहाँ इस वीडियो के नीचे गूगल ड्राइव में लिंक आपको दे रहे हैं, वो आप एग्जम्पशन चैप्टर की फुल कॉपी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और उसमें कौन कौन से पॉइंट्स में अमेंडमेंट हुआ है वो भी नोट कर लीजिए या उन पे आप मार्किंग कर लीजिए। ठीक है, और मार्किंग करने के बाद ही ये चैप्टर स्टार्ट करिएगा। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट आपको तभी पढ़ने हैं जब आप ओरिजिनल जो नोट्स हैं उसकी कॉपी गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लें, जो इस वीडियो के नीचे लिंक आपको दे रखा है। ठीक है, वो पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद उसमें जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, जिन जिन पॉइंट्स में अमेंडमेंट हुआ है वो आप टिक कर लीजिए। ठीक है, तो मैं नोट करता जाता हूं कि कौन कौन से पॉइंट्स में अमेंडमेंट हुआ है वो एक बार आप या तो नोट कर लीजिए या उस पीडीएफ फाइल की कॉपी में टिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो पॉइंट नंबर 60, 61, 62, 64 और 66 में अमेंडमेंट है। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट नंबर 5, 19, 20 और 24 और 45, ठीक है, और 52, 52 और 53, इसमें अमेंडमेंट है, और 58, 58, 27, 30, 30 और पॉइंट नंबर 82 और 96 और 97। ठीक है, तो अमेंडमेंट्स आपको इस सीक्वेंस में मिलेंगे इस वीडियो में, और आपको भी इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एक बहुत ही इस बार का हम कहें अमेंडमेंट है पॉइंट नंबर 62, सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन ए वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अरे, ऐसा तो पॉइंट पहले भी आया था, ऐसा पॉइंट जो यहाँ पॉइंट नंबर 62 दे रखा है ऐसा पहले भी आया था क्या? देखिए, पॉइंट नंबर 61 में भी दे रखा है, ये पॉइंट नंबर 61 है ना, पॉइंट नंबर 61 देखो, उसमें भी दे रखा है आपको पॉइंट नंबर आई, सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन ए वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और इधर फिर पॉइंट नंबर 62 में भी दे रखा है फ्यूमिगेशन इन ए वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस।
तो क्या गवर्नमेंट से भूल हुई है, गलती हुई है, दो जगह लिख दिया ये? बताइए क्या होगा? क्या कोई गलती है? क्या गवर्नमेंट ने दो दो बार लिख दिया है, पॉइंट नंबर 61 में भी और 62 में भी, फ्यूमिगेशन की सर्विस पर जीएसटी नहीं लगेगा, दो जगह लिख दिया है क्या? दो जगह नहीं लिखा है, मतलब दो जगह लिखा है लेकिन अलग अलग पर्पस है, पर्पस अलग है। देखिए जो यहां पॉइंट नंबर 61 में दे रखा है, जो पॉइंट नंबर 61 में दे रखा है वो तो अगर फार्मर करवाए, अगर फार्मर करवाएगा तो एग्जेम्प्ट होगा। तो ये कौन करवा रहा है? बाय फार्मर। नोट कर लें यहां पर, ये फ्यूमिगेशन एक्टिविटी फार्मर करवा रहा है तो एग्जेम्प्ट है। तो पॉइंट नंबर 61 वाली फार्मर करवा रहा है, एग्जेम्प्ट है। और जो 62 वाली है, वो कौन करवा रहा है? जो 62 वाली है वो कौन करवा रहा है? बाय वेयरहाउस ओनर करवा रहा है। ठीक है, तो वेयरहाउस ओनर करवाए तो भी एग्जेम्प्ट, किसान करवाए वेयरहाउस के अंदर अपने खर्चे पर तो भी एग्जेम्प्ट। ओके, फिर पॉइंट नंबर 64 में आइए। पॉइंट नंबर 64, सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन, ऑफ लाइव स्टॉक, जानवरों के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन करवाना। क्या होता है आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन? क्या होता है हिंदी में उसके लिए वर्ड यूज होता है, कृत्रिम गर्भाधान। तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए तो मतलब एनिमल्स के स्पर्म्स प्लांट कर दिए जाते हैं लाइव स्टॉक में, तो इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन, कृत्रिम गर्भाधान। ये इस एक्टिविटी पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, बट ध्यान रखना यहाँ पे भी दे रखा है अदर देन हॉर्सेस, हॉर्सेस के लिए आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन करवाया गया, इस सर्विस पे तो जीएसटी लगेगा। पॉइंट नंबर 66 में देखिए, सर्विसेज बाय ऑफ एयरहाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को हम इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं जड़ी बूटियां वगैरह, कोकून, वैक्स, लाख वगैरह जो होता है, तेंदु लिप्स वगैरह जो होती हैं। तेंदु लिप्स क्या? जो बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है ना, वो। ये सब क्या कहलाता है? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इनकी वेयरहाउसिंग करवाई गई, वेयरहाउसिंग इनकी किसकी? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की वेयरहाउसिंग करवाई गई तो इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, ये इस बार से ऐड हुआ है। ये देखो पॉइंट नंबर 64 इस बार से ऐड हुआ है, 66 इस बार से ऐड हुआ है, इस बार का अमेंडमेंट है। अब पॉइंट नंबर 5 में आते हैं हम। बात हो रही है कंपोजिट सप्लाई की। कंपोजिट सप्लाई का मतलब जिसमें गुड्स भी यूज हुआ और मटेरियल भी यूज हुआ, और वो सर्विस किसको दी गई? गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विस दी गई, शॉर्ट में बोले तो गवर्नमेंट को दी गई। लेकिन वो कंपोजिट सप्लाई थी, मतलब उसमें गुड्स भी था और सर्विस एलिमेंट भी था, वो कंपोजिट सप्लाई थी। किसको दी गई? गवर्नमेंट को। क्यों दी गई? इन रिलेशन टू एनी फंक्शन एंट्रस्टेड टू पंचायत और इन रिलेशन टू एनी फंक्शन एंट्रस्टेड टू म्यूनिसिपैलिटी। अगेन सेम बात है, ये यहां पर सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है? पंचायत और म्यूनिसिपलिटी। और रेसिपिएंट कौन है? गवर्नमेंट। तो पंचायत और म्यूनिसिपलिटी ने गवर्नमेंट को सर्विस दी, गवर्नमेंट को सप्लाई दी, कंपोजिट सप्लाई दी जिसमें गुड्स भी था मटेरियल भी था। तो पंचायत और म्यूनिसिपलिटी ने गवर्नमेंट को कंपोजिट सप्लाई दी जिसमें गुड्स भी था सर्विस भी था, तो वो कंपोजिट सप्लाई पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन एक कंडीशन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सब्जेक्ट टू द कंडीशन, दैट कंडीशन चेक करनी है आपको,
वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट्स नॉट मोर देन 25% ऑफ वैल्यू ऑफ सच कंपोजिट सप्लाई. मतलब टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई का, टोटल वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई का में मटेरियल 25% से ज्यादा ना हो, मटेरियल एलिमेंट 25% से ज्यादा ना हो. चूंकि ये कंपोजिट सप्लाई है तो इसमें मटेरियल भी है और सर्विस भी है. मटेरियल एलिमेंट टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई के 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो देखिए इसके कुछ हम एग्जांपल्स करते हैं. अगर गवर्नमेंट सप्लाई मैन पावर की कर रही है फॉर क्लीननेस ऑफ गुड रोड्स और पब्लिक प्लेसेस की सफाई के लिए, या आर्किटेक्ट सर्विस या कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग सर्विसेज ले रही है गवर्नमेंट, ये प्योर सर्विस है, तो गवर्नमेंट सड़कों की सफाई के लिए, सड़कों की सफाई के लिए प्योर सर्विस लेती है म्यूनिसिपलिटी वगैरह की, ये प्योर सर्विस है, इसमें मटेरियल एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या है, प्योर सर्विस है. लेकिन क्या मटेरियल भी यूज होता है? अगर मटेरियल यूज होगा तो वो कंपोजिट सप्लाई कहलाएगी. तो उसका एग्जांपल नेक्स्ट पेज पर दे रखा है. गवर्नमेंट अथॉरिटी अवार्डिंग द वर्क ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन ए म्यूनिसिपल एरिया, म्यूनिसिपल एरिया में स्ट्रीट लाइट्स की मेंटेनेंस का ठेका दे रखा है गवर्नमेंट ने. और वो क्या काम करते हैं, विच इन्वॉल्व अपार्ट फ्रॉम मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का काम तो करते ही हैं लेकिन रिप्लेस करते हैं ऑफ डिफेक्ट लाइट्स और अदर स्पेयर्स. मतलब जो लाइट्स खराब हो गई हैं उनको चेंज करने का काम करते हैं. इन दिस केस इसमें मटेरियल भी यूज होगा क्या? यस, इसमें मटेरियल भी यूज होगा. तो स्कोप ऑफ सर्विस इन्वॉल्व मेंटेनेंस ऑफ वर्क एंड सप्लाई ऑफ गुड्स. तो ध्यान रहे इसमें गुड्स की भी सप्लाई हो रही है और सर्विस भी यूज हो रही है. देखिए मेंटेनेंस वर्क क्या, सर्विस, और सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो रहा है. लेकिन ध्यान रहे मटेरियल एलिमेंट, गुड्स का एलिमेंट उसके अंदर 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो वो जो कंपोजिट सप्लाई म्यूनिसिपलिटी और पंचायत गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं कंपोजिट सप्लाई, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो कंपोजिट सप्लाई एग्जेम्प्ट होगी. फिर पॉइंट नंबर 19 जो है वो इस साल का अमेंडमेंट है, नया एग्जेम्प्शन आया है. पॉइंट नंबर 20 भी इस बार का अमेंडमेंट है, पॉइंट नंबर 20 भी अमेंडमेंट है और 19 भी अमेंडमेंट है, तो ध्यान से पढ़ना. ओके, सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम रन बाय, जो कौन चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. तो कोई चैरिटेबल एंटिटी है अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो ओल्ड एज होम चलाती है, तो वो जो ओल्ड एज होम सर्विस दे रहा है किसको, वो ओल्ड एज होम सर्विस दे रहा है किसको, टू इट्स रेजिडेंट्स, जो सीनियर सिटीजन हैं जिनकी एज कम से कम 60 साल है, उनको सर्विस दे रहा है और उनसे कंसीडरेशन चार्ज करता है अप टू 25,000 पर मंथ पर मेंबर. ध्यान रखना पर मंथ पर मेंबर लिखा है. कंसीडरेशन अगर पर मंथ पर मेंबर 25,000 को एक्सीड नहीं करता है, वो ओल्ड एज होम सर्विस दे रहा है सीनियर सिटीजन को, उनसे कंसीडरेशन चार्ज करता है और वो ओल्ड एज होम बनाया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या फिर चैरिटेबल एंटिटी का बनाया हुआ है, वो ओल्ड एज होम सीनियर सिटीजन को सर्विस देता है, बदले में कंसीडरेशन चार्ज करता है और कंसीडरेशन का अमाउंट 25,000 रुपये पर मंथ पर मेंबर को एक्सीड नहीं करता है, तो उस कंसीडरेशन पर जीएसटी नहीं लगेगा. लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन ये है, प्रोवाइडेड दैट कंसीडरेशन जो वो ओल्ड एज होम चार्ज कर रहा है वो इंक्लूसिव ऑफ चार्जेस फॉर बोर्डिंग लॉजिंग एंड मेंटेनेंस है. मतलब वो ओल्ड एज होम उन सीनियर सिटीजन को लॉजिंग, बोर्डिंग और मेंटेनेंस की फैसिलिटी देता है,
और उनसे कंसीडरेशन चार्ज करता है 25,000 रुपये तक पर मंथ का और पर मेंबर का। तो उस कंसीडरेशन पे वो ओल्ड एज होम जीएसटी नहीं जोड़ेगा, जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, क्यों? ये एग्जेम्प्ट सर्विस है। फिर आते हैं हम इस बार का एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो हुआ है इस यहां पर, जहां गवर्नमेंट सर्विस सप्लाई कर रही है, तो सर्विस सप्लाइड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी टू देयर अंडरटेकिंग्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। गवर्नमेंट सर्विस दे रही है अपनी अंडरटेकिंग्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को गवर्नमेंट सर्विस दे रही है। कैसी सर्विस? बाय वे ऑफ गारंटिंग द लोन्स। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए गारंटी दे रही है, तो वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से गारंटी कमीशन चार्ज करेगी। गवर्नमेंट उस पब्लिक सेक्टर कंपनी से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से गारंटी चार्ज करेगी, तो उस गारंटी कमीशन पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। लोन लिया किसने है? लोन लिया है उन अंडरटेकिंग्स ने और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने। किससे लिया है? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या किसी अंडरटेकिंग ने बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया और उसकी गारंटी गवर्नमेंट ने दी, उसकी गारंटी गवर्नमेंट ने दी, तो गवर्नमेंट ने गारंटी सर्विस दी जिसका गवर्नमेंट गारंटी कमीशन चार्ज करेगी, तो उस गारंटी कमीशन पर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, फिर पॉइंट नंबर 24 में आते हैं। पॉइंट नंबर 24 एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इस बार का अमेंडमेंट भी है। आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, सर्विसेज सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान रहे स्टेट गवर्नमेंट लिख रहे हैं, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिख रहे हैं। सर्विसेज सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट किसको? टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। वर्ड है एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ERCC कॉन्ट्रैक्टर है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर रॉयल्टी कलेक्ट करने के लिए अथोराइज किया गया है और वो एक्सेस रॉयल्टी कलेक्ट करेगा। तो सर्विस दे रही है गवर्नमेंट एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर को, जहां पर सप्लायर ऑफ सर्विस स्टेट गवर्नमेंट है। ओके, तो कैसी सर्विस दे रही है? बाय वे ऑफ असाइनिंग द राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी। गवर्नमेंट उसको राइट दे रही है कि आप हमारे बिहाफ पर माइन लीज होल्डर से रॉयल्टी वसूलिए। तो स्टेट गवर्नमेंट एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर को अथोराइज कर रही है कि आप माइनिंग लीज होल्डर से हमारे बिहाफ पर रॉयल्टी वसूल करें, और रॉयल्टी एक्सेस होनी चाहिए, आप जितना हमको दोगे उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट राइट दे रही है ERCC को कि आप हमारे बिहाफ पर रॉयल्टी वसूल करें। तो इस केस में स्टेट गवर्नमेंट सप्लायर ऑफ सर्विस हुई, अपना राइट दे रही है, राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी, ठीक है, तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ओके, तो इसको हम यूं समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। वो डायग्राम आप अपनी नोटबुक में भी लिख लेना, तो नोटबुक होनी चाहिए आपके पास, अभी रजिस्टर होना चाहिए जिसमें आपको ये डायग्राम बनाना है। देखिए ये डायग्राम, स्टेट गवर्नमेंट है ERCC को असाइनमेंट ऑफ राइट कर रही है टू कलेक्ट रॉयल्टी कि आप हमारे बिहाफ पर रॉयल्टी वसूल करें। किससे वसूल करें? किससे वसूल करें? माइनिंग लीज होल्डर से आप रॉयल्टी वसूल करें, और वो रॉयल्टी क्या होनी चाहिए? एक्सेस होनी चाहिए। एक्सेस होनी चाहिए मतलब हम आपको ये असाइनमेंट ऑफ राइट कितने पर कर रहे हैं? 100 रुपीज पर। मतलब ये ERCC भी गवर्नमेंट को रॉयल्टी देगा सपोज 100, और आगे उन माइन लीज होल्डर से कितनी वसूलेगा? सपोज 120। उन माइन लीज होल्डर से एक्सेस वसूलेगा, एक्सेस वसूलेगा ERCC उन माइन लीज होल्डर से
एक्सेस रॉयल्टी वसूल करेगा। तो ये ईआरसीसी स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे करेगा, क्यों पे करेगा, गवर्नमेंट ने इसको रॉयल्टी कलेक्ट करने का राइट असाइन किया है, तो ये गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे करेगा। कितनी, सपोज 100, लेकिन आगे माइन लीज होल्डर से वसूलेगा कितनी, एक्सेस कितनी, सपोज 120। ओके, तो यहां पर सिचुएशन क्या है, इस पे जीएसटी लगता, इस पे जीएसटी लगता सपोज 100 पर 10%, कितना हुआ 10। गवर्नमेंट कह रही है हम आपको ये जो सर्विस दे रहे हैं, हमने आपको असाइनमेंट ऑफ राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी दिया, सर्विस दी, तो ये सर्विस क्या होगी, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है बट एग्जेम्प्ट होगी। कहने का मतलब ये जो 10 रुपीज है ना, ये जो 10 रुपीज है हम आपसे नहीं लेंगे। ध्यान रखो कौन सा एग्जम्पशन है, ये मार्क कर रहा हूं मैं, ये जो मार्क कर रहा हूं ना, ये वाला एग्जम्पशन 10 रुपीज का जीएसटी गवर्नमेंट नहीं लेगी, किससे, ईआरसीसी से नहीं लेगी, ये एग्जम्प्ट सर्विस मानी जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है, वो ईआरसीसी एक्सेस रॉयल्टी वसूल करे, एक्सेस रॉयल्टी वसूल करे, किससे, माइनिंग लीज होल्डर से, वो एक्सेस रॉयल्टी वसूल करे, कितनी, सपोज 120 वसूल करे, और खुद कितनी स्टेट गवर्नमेंट को पे कर रहा है 100, उस पे उसका सपोज 10% की रेट से जीएसटी बनता है 10 रुपीज, 100 पर 10%, 10 रुपीज उसका जीएसटी बनता है, तो स्टेट गवर्नमेंट उससे वो जीएसटी नहीं लेगी, 10 रुपीज जीएसटी नहीं लेगी स्टेट गवर्नमेंट उसको, उससे ये एग्जेम्प्ट सर्विस माना जाएगा, बशर्ते वो आगे माइनिंग लीज होल्डर से एक्सेस रॉयल्टी चार्ज करता है 120 की, जिस पर जीएसटी बनेगा 10%, 12 रुपए, ठीक है, जिस पर टैक्स एक्सेस बनेगा 12 रुपए। ओके, तो ये जो 10 रुपीज है ना, ये जो 10 रुपीज, इसको क्या कर दिया जाएगा, एग्जेम्प्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट इससे सिर्फ रॉयल्टी का कितना चार्ज करेगी, 100, उस पे जीएसटी जोड़ के चार्ज नहीं करेगी। लेकिन लेकिन एक कंडीशन है, बात सिर्फ यहां खत्म नहीं हो जाती है। ओके, आइए, हाउ एवर एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, सपोज 3 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, तो ईआरसीसी शेल सबमिट एन अकाउंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये ईआरसीसी कॉन्ट्रैक्टर स्टेट गवर्नमेंट को हिसाब बना के देगा, एंड सर्टिफाई दैट, उसमें सर्टिफाई करेगा जीएसटी डिपॉजिटेड बाय माइन लीज होल्डर्स, जो उसमें था 12 रुपए, ऑन रॉयल्टी इज मोर देन द जीएसटी एग्जम्प्टेड। आपने मेरे को जितना एग्जम्प्ट किया था 10, आपको उस माइन लीज होल्डर से 12 रुपए का जीएसटी मिला, मतलब वो जीएसटी डिपॉजिटेड बाय माइन लीज होल्डर्स जो था वो ज्यादा था ऑन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द ईआरसीसी ऑन असाइनमेंट ऑफ राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी, तो वो जीएसटी ज्यादा दिया था। देखिए ये एग्जाम्पल, ये जीएसटी ज्यादा था ना 12 रुपए, ये जीएसटी ज्यादा था, किससे, उस 10 रुपए से ज्यादा था, तो माइन लीज होल्डर्स ने जीएसटी ज्यादा दिया है, हमको जो सर्विस दी है उस पर जीएसटी बनता था 10, तो ये जीएसटी 10 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ईआरसीसी सर्टिफाई करेगा कि गवर्नमेंट आपको जीएसटी ज्यादा मिला 12 रुपए। अब एक लफड़ा और, यहां पर आपके सेंटेंस फिर ब्रेक हो जाएगा, यहां पर कट मार दीजिए आप, यहां से अलग स्टोरी शुरू हो रही है, यहां से अलग स्टोरी शुरू हो रही है, ठीक है। वेयर सच जीएसटी पेड बाय माइनिंग लीज होल्डर्स, अगर माइनिंग लीज होल्डर्स का जीएसटी कम पे किया हुआ है जितना इस ईआरसीसी को एग्जम्पशन मिला, ईआरसीसी को एग्जम्पशन कितना मिला, 10 रुपए जीएसटी पर, अगर माइनिंग लीज होल्डर्स कम जीएसटी देते हैं तो एग्जम्पशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, एग्जम्पशन फिर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, एग्जम्पशन शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू जीएसटी पेड बाय
माइन लीज होल्डर्स एंड द ईआरसीसी शैल पे द डिफरेंस बिटवीन जीएसटी एग्जम्प्टेड ऑन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड जीएसटी पेड बाय माइन लीज होल्डर्स। कुछ कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, अब मैं इस डायग्राम के थ्रू बताता हूं। देखिए, इनको ऑथोराइज किया गया है कि आपको एक्सेस रॉयल्टी चार्ज करनी है। हम आपको 100 रुपीज पर ठेका देते हैं, हम आपसे 100 की रॉयल्टी चार्ज करेंगे और आप आगे माइनिंग लीज होल्डर से 120 रुपए की रॉयल्टी चार्ज करता, जिस पे टैक्स बनेगा 12 रुपए। तो हम जो आपको सर्विस दे रहे हैं वो हमने सर्विस दी 100 रुपीज पर, उस पर टैक्स बनता 10, वो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे अगर आप वो माइनिंग लीज होल्डर वाला जीएसटी हमको 12 रुपए मिल जाता है तो। लेकिन अब एक अलग दास्तान, अगर आप ये ठेका माइनिंग लीज होल्डर्स को दे देते हो 80 रुपीज में, सस्ते में दे देते हो और कम रॉयल्टी चार्ज करते हो, आप माइनिंग लीज होल्डर से कम रॉयल्टी चार्ज करते हो, 120 के बजाय 80 रुपए चार्ज करते हो, तो उस पर टैक्स तो हमको 8 रुपए ही मिलेगा उन माइन लीज होल्डर से, तो उस पर हमको टैक्स कम मिलेगा उन माइन लीज होल्डर से, जीएसटी कम मिलेगा, 8 रुपए ही मिलेगा, जो 12 रुपए मिलना चाहिए था वो 8 रुपए ही मिलेगा। तो हमको जो कम मिला कितना कम मिला, 2 रुपए, 2 रुपए कम मिला, कितना कम से कम कितना मिलना चाहिए था, 10 रुपए तो मिलना चाहिए था, कितना, 2 रुपए तो मिलना ही चाहिए था। हमने आपको एग्जेम्प्ट 10 किया था, आप 12 पहुंचाते टैक्स या 10 तो पहुंचाते ही, लेकिन आप तो माइनिंग लीज होल्डर से टैक्स ले रहे हो सिर्फ 8 रुपए, तो इस केस में आपको डिफरेंस का 2 रुपया टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो ये ईआरसीसी 2 रुपए का टैक्स, डिफरेंशियल टैक्स, उस केस में गवर्नमेंट को पे करेगा। इसका बेसिक इंटेंशन क्या है, ये ईआरसीसी को ऑथोराइज क्यों किया गया था कि एक्सेस रॉयल्टी चार्ज करे, गवर्नमेंट को तो ये रॉयल्टी पे करे कितनी, 100, और आगे माइन लीज होल्डर से चार्ज करे 120, इसको एक्सेस चार्ज करनी थी। बट अगर ये रेट कम करने लगे, माइन लीज होल्डर्स को सस्ते में रॉयल्टी, कम रॉयल्टी चार्ज करना शुरू कर दे, 80 रुपए चार्ज करना शुरू कर दे, तो उस पर टैक्स गवर्नमेंट को सिर्फ 8 रुपए मिलेगा, जबकि गवर्नमेंट ने इसको एग्जम्पशन 10 रुपए के जीएसटी पर दिया, तो और ये गवर्नमेंट को पहुंचा रहा है जीएसटी के नाम पर सिर्फ 8 रुपया, तो डिफरेंस का 2 रुपया इस ईआरसीसी को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। लेकिन ये हिसाब कब होगा, एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, 3 साल बाद, ओके, 3 साल बाद हिसाब होगा, ओके। तो ये एग्जम्पशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला क्या था, इसमें बोला ये था कि ये जो रॉयल्टी है, स्टेट गवर्नमेंट ईआरसीसी को राइट असाइन कर रही है टू कलेक्ट रॉयल्टी, उस पर जो जीएसटी बनता था 10 रुपए, वो एग्जम्प्ट, लेकिन आगे से वो गवर्नमेंट को ज्यादा पहुंचाए, 12 रुपए टैक्स पहुंचाए, तो अभी जो इसकी सर्विस पर टैक्स बन रहा है 10 रुपए, उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, टैक्स लगेगा ही नहीं। कोल माइंस के लिए एक अमेंडमेंट हुआ है, कोल माइंस के लिए प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अलग से बनता है, प्रोविडेंट पीएफ डिपार्टमेंट कोल माइंस के लिए अलग बनता है, तो जो कोल माइंस वाला पीएफ डिपार्टमेंट है वो भी एम्प्लॉयर्स को सर्विस देता है और उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लेता है, तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज में जीएसटी नहीं जोड़ेगा। फिर पॉइंट नंबर 55, सर्विसेज बाय एमपीएस ट्रस्ट, एमपीएस ट्रस्ट सर्विस देती है अपने मेंबर्स को और अपने मेंबर्स से कंसीडरेशन चार्ज करती है इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, तो एमपीएस ट्रस्ट अपने मेंबर से एडमिनिस्ट्रेटिव फीस जब चार्ज करती है, बिल इशू करती है, उसमें जीएसटी एड ऑन नहीं करेगी, क्योंकि एनपीएस ट्रस्ट की ये सर्विस एग्जेम्प्ट है, ओके। और लाइफ इंश्योरेंस अगर किया गया है, सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस किसको प्रोवाइड, किसको दी गई है सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की सर्विस दी गई है आर्मी, नेवल और एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड को दी गई है, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वालों को ये सर्विस दी गई है,
और ये ग्रुप इंश्योरेंस से अगर अगर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है तो उसका जो प्रीमियम चार्ज किया जाएगा उस पर भी GST नहीं लगेगा। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस सर्विस दी गई है किसके लिए, बाय द नवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड दे रहा है सर्विस, एक नवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड बनाया हुआ, ये किसको सर्विस देता है, टू द पर्सनल ऑफ कोस्ट गार्ड, कोस्ट गार्ड का इंश्योरेंस करवाता है कौन, नवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड। तो उसका जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम चार्ज होगा कोस्ट गार्ड के लिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम भरा जाएगा, उसका जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होगा उस पर GST नहीं लगेगा। ये कोस्ट गार्ड क्या होता है, समुद्र में सुपरविजन के लिए अलग अलग सेंटर्स बनाए गए, चौकियां बनाई गई हैं, वहां पर निगरानी के लिए कोस्टल गार्ड का अपॉइंटमेंट होता है, पानी में भी निगरानी रखी जाती है कि दूसरी कंट्री से कोई वैसल चोरी छुपे तो इंडिया में इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स में एंटर तो नहीं कर रहा है, तो कोस्ट गार्ड अपॉइंट किया जाता है। और कोस्ट गार्ड का इंश्योरेंस का प्रीमियम कौन पे करता है, बाय द नवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड। इस स्कीम के तहत अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है तो GST नहीं लगेगा। कुल मिला के नेवी वालों के लिए, आर्मी वालों के, एयरफोर्स वालों के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम भरा गया है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और वो भी ग्रुप स्कीम के तहत, तो GST नहीं लगेगा। देखें पॉइंट नंबर 60, लीगल सर्विसेज, तो पेज नंबर 71 निकालें, उस पर देखें पॉइंट नंबर 60, लीगल सर्विसेज। तो लीगल सर्विसेज टैक्सेबल होंगी या नहीं, इन पर कुछ एग्जम्पशन है, तो हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जम्पशन क्या है, लीगल सर्विसेज पर एग्जम्पशन डिस्कस करने जा रहे हैं। लीगल सर्विस होती क्या है, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। लीगल सर्विस का मतलब है एनी सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी और असिस्टेंस। अगर किसी लीगल मैटर पर कोई एडवाइस, कंसल्टेंसी और असिस्टेंस दी जा रही है किसी भी मैनर में, इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ, किसी भी कानूनी मुद्दे पर कोई एडवाइस, कंसल्टेंसी और असिस्टेंस दी जा रही है, तो उसे लीगल सर्विस कहा जाएगा। एंड इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेस बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी, बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। तो रिप्रेजेंटेशनल सर्विस क्या, किसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी के सामने एडवोकेट अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है, अपने क्लाइंट की पैरवी करता है, उसके बिहाफ पर केस लड़ता है, तो इसे भी लीगल सर्विस कहा जाएगा। यह है रिप्रेजेंटेशनल सर्विस, किसी अथॉरिटी के सामने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना। तो एडवोकेट अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है किसी कोर्ट, अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल के सामने, ये सर्विस देता है, तो ये भी लीगल सर्विस है। या सिर्फ एडवाइस और कंसल्टेंसी देता है किसी लीगल मैटर पर, तो ये भी लीगल सर्विस मानी जाएगी। तो लीगल सर्विस पर क्या एग्जम्पशन है, हम समझते हैं आगे। तो लीगल सर्विस कौन दे रहा हो, लीगल सर्विस बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सीनियर एडवोकेट और एंड अदर एडवोकेट। तो कौन सर्विस दे रहा है, सप्लायर ऑफ सर्विस कौन, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सीनियर एडवोकेट या अदर एडवोकेट। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कॉलम आपको दे रखा है रेसिपिएंट, रेसिपिएंट, और बाद में कॉलम दे रखा है सप्लायर। सप्लायर कौन, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सप्लायर हो, सीनियर एडवोकेट हो या अदर एडवोकेट या एडवोकेट की पार्टनरशिप फर्म, सप्लायर ये लोग हैं। और रेसिपिएंट फर्स्ट कॉलम में दे रखा है, ठीक है। तो रेसिपिएंट आपको फर्स्ट कॉलम में दे रखा है। अगर रेसिपिएंट है एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, रेसिपिएंट अदर देन बिजनेस एंटिटी है, इसका मतलब रेसिपिएंट किसी पर्सनल मैटर पर एडवोकेट की सर्विस ले रहा है, लीगल सर्विस ले रहा है रेसिपिएंट किसी पर्सनल मैटर पर, बिजनेस पर्पस नहीं है, किसी पर्सनल मैटर पर सर्विस ले रहा है। तो चाहे सर्विस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दे तो भी एग्जेम्प्ट, सीनियर एडवोकेट दे तो भी एग्जेम्प्ट,
और अदर एडवोकेट और एडवोकेट की पार्टनरशिप फर्म दे तो भी एग्जेप्ट। तो मतलब सप्लायर ऑफ सर्विस कोई भी हो, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो, चाहे सीनियर एडवोकेट हो, चाहे अदर एडवोकेट हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स हो, सप्लायर कोई भी हो, रेसिपियंट कौन? एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। तो अगर रेसिपियंट अदर देन बिजनेस एंटिटी है, मतलब वो पर्सनल मैटर पर लीगल एडवाइस ले रहा है, लीगल सर्विस ले रहा है, तो ये सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। फिर सेकेंड पार्ट दे रखा है, बिजनेस एंटिटी रेसिपियंट कौन है? बिजनेस एंटिटी है, लेकिन उसका अगर उसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड करता है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड करता है, तो इन ऑल केसेस टैक्सेबल। इसका मतलब इन ऑल केसेस टैक्सेबल मतलब चाहे सप्लायर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो, सीनियर एडवोकेट हो, या अदर एडवोकेट हो, या अदर या एडवोकेट्स की पार्टनरशिप फर्म हो, सप्लायर ऑफ सर्विस कोई भी हो, रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है और उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड करता है, तो ये टैक्सेबल केस होगा, ये सर्विस लीगल सर्विस टैक्सेबल होगी। बिजनेस एंटिटी का इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड हो तो, लेकिन अगर एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 20 लाख है इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, अगर उस बिजनेस एंटिटी जो रेसिपिएंट है उसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 20 लाख तक है, 20 लाख को एक्सीड नहीं करता है, तो इन ऑल केसेस एग्जेम्प्ट। इन ऑल केसेस मतलब चाहे सप्लायर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो, चाहे सीनियर एडवोकेट हो, चाहे अदर एडवोकेट हो, चाहे अदर या एडवोकेट्स की पार्टनरशिप फर्म हो, सप्लायर ऑफ लीगल सर्विस कोई भी हो, अगर बिजनेस एंटिटी का इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी का इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड नहीं करता, तो इन ऑल केसेस ये लीगल सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। फिर अगर रेसिपिएंट एडवोकेट है या एडवोकेट्स की पार्टनरशिप फर्म है जो लीगल सर्विस दे रहे हैं, मतलब क्या रेसिपिएंट भी एडवोकेट या एडवोकेट की पार्टनरशिप फर्म है, मतलब ये एडवोकेट टू एडवोकेट सर्विस है जहां पर सप्लायर भी एडवोकेट रेसिपिएंट भी एडवोकेट, तो एक एडवोकेट भी दूसरे एडवोकेट से लीगल सर्विस ले रहा है, तो रेसिपिएंट कौन हुआ? बिजनेस एंटिटी। रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी हुआ तो अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर रेसिपिएंट एडवोकेट का या रेसिपिएंट पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स का अगर प्रीसीडिंग ईयर का इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड कर रहा है तो क्या होगा? 20 लाख को एक्सीड कर रहा है तो क्या होगा? देखिए, नॉर्मली टैक्सेबल ही होना चाहिए क्योंकि इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर रेसिपिएंट का एक्सीड कर रहा है 20 लाख का, तो टैक्सेबल होना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक स्पेशल केस का, ये केस एग्जेम्प्ट है। कैसा केस? एडवोकेट टू एडवोकेट सर्विस है, लेकिन अगर रेसिपिएंट एडवोकेट है या एडवोकेट की पार्टनरशिप फर्म है, उनका इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड भी करता है, एक्सीड कर रहा है इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर को 20 लाख को एक्सीड कर रहा है टर्नओवर, बट सप्लायर कौन है? सप्लायर है अदर एडवोकेट या एडवोकेट्स की पार्टनरशिप फर्म, तो एग्जेम्प्ट केस होगा। ये स्पेशल पॉइंट है, ध्यान रखना। वैसे तो आपको सब याद रह जाएगा, अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो टैक्सेबल, 20 लाख तक है तो एग्जेम्प्ट, लेकिन इस केस में तो 20 लाख से एक्सीड कर रहा है तो भी एग्जेम्प्ट हो रहा है, तो ये स्पेशल पॉइंट है, इसका ध्यान रखना, इसलिए मैंने रेड मार्क कर दिया इसको। और अगर अगर रेसिपिएंट है एडवोकेट और उसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख तक है इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो इन ऑल केसेस एग्जेम्प्ट, चाहे सप्लायर ऑफ सर्विस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो, चाहे सीनियर एडवोकेट हो, चाहे अदर एडवोकेट हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट हो,
सप्लायर ऑफ सर्विस कोई भी हो, अगर उस रेसिपिएंट एडवोकेट या रेसिपिएंट पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स का इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड नहीं करता तो वो एग्जेम्प्ट सर्विस होगी। इस बार से एक अमेंडमेंट है, यहाँ पर ये लास्ट रॉ जो है अमेंडमेंट है, अगर रेसिपिएंट गवर्नमेंट है, रेसिपिएंट गवर्नमेंट है कैसे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी है, शॉर्ट में हम कहें गवर्नमेंट है, रेसिपिएंट ऑफ लीगल सर्विस गवर्नमेंट है और सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है, कोई भी, चाहे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, चाहे सीनियर एडवोकेट, चाहे अदर एडवोकेट या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट, सप्लायर कोई भी हो, रेसिपिएंट गवर्नमेंट है तो ये इन ऑल केसेस एग्जेम्प्ट होगा। रेसिपिएंट अगर गवर्नमेंट है तो इन ऑल केसेस एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। ये बात और एक खास बात और, जहां ये आपके नीचे नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट पेज पे नोट दे रखा है, नेक्स्ट पेज पर एक नोट दे रखा है कि इन ऑल अबो केसेस जहां जहां 20 लैक्स के टर्नओवर की बात कही गई है, अगर वो बिजनेस एंटिटी लोकेटेड है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, अगर वो बिजनेस एंटिटी लोकेटेड है कहां पर, इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, तो फिर 20 लाख की लिमिट 10 लाख हो जाएगी। 20 लाख की जगह क्या देखा जाएगा, 10 लाख सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में तो लिमिट 20 लाख ही चेक की जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर के लिए 10 लाख नहीं होगा, जम्मू एंड कश्मीर के लिए तो 20 लाख वाली लिमिट देखी जाएगी। और एक खास बात और, आपने RCM पढ़ा था थर्ड चैप्टर में RCM पढ़ा था सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, वहां पर भी RCM की बात आई थी कि लीगल सर्विसेज पर RCM लगेगा। वो पेज भी आप टैली कर लेना, उससे भी रिकंसाइल कर लेना, जहां जहां RCM, हमने ऊपर में टैक्सेबल केसेस पढ़े, जहां जहां टैक्सेबल केस बन रहा था वहां पर RCM लगेगा, मतलब जहां जहां टैक्सेबल केस है वहां वहां RCM है। तो टैक्सेबल केस ये सब टैक्सेबल केस थे, इसके अलावा ये टैक्सेबल केस थे, तो जो भी टैक्सेबल केस थे वहां पर RCM लगेगा, मतलब लीगल सर्विस पर जो भी टैक्सेबल केसेस हैं वहां पर RCM लगेगा, और रेसिपिएंट ऑफ लीगल सर्विस गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे करेगा। तो ये बात आपको यहां दे रखी है कि जो टैक्सेबल केस हैं वहां पर RCM लगेगा, सारे टैक्सेबल केसेस में RCM लगेगा, रेसिपिएंट डायरेक्टली टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो ये हमने की लीगल सर्विस। फिर आते हैं हम सर्विसेज बाय वे ऑफ लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन, ये इस बार का अमेंडमेंट है, और टेस्टिंग ऑफ फूड सैंपल्स सप्लाइड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI। तो सर्विस कौन दे रहा है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किसको, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को। तो FSSAI सर्विस दे रही है फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को, कैसी सर्विस, लाइसेंस इशू कर रही है उनको, रजिस्ट्रेशन उनका कर रही है, या उनके लिए फूड सैंपल्स की एनालिसिस और टेस्टिंग का काम कर रही है FSSAI, किसके लिए, बिजनेस फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए। तो रेसिपिएंट कौन है, फूड बिजनेस ऑपरेटर, और सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है, FSSAI। तो ये लाइसेंस इशू करती है फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स का मतलब क्या है, जो फूड के मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको
FSSAI से लाइसेंस लेना पड़ता है कि हमारे फूड में मिलावट नहीं है और वो स्टैंडर्ड्स को मीट आउट करता है। तो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जो भी हैं उनको लाइसेंस लेना पड़ता है कि हमारे फूड में मिलावट नहीं है। ये लाइसेंस उनको लेना पड़ता है FSSAI से, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। तो ये लाइसेंस इशू करने की फीस चार्ज करेंगे, या रजिस्ट्रेशन करेंगे उसकी फीस चार्ज करेंगे, या ये उस फूड बिजनेस ऑपरेटर के फूड की टेस्टिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो ये जो अपना चार्ज लेंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 27 देखिए, सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये सर्विस दे रहा है बाय वे ऑफ, कैसी सर्विस, बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग और इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मतलब बिजली की लाइन बिछा रहा है एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिछा रही है। कहाँ तक लैंग्वेज है, अप टू द ट्यूबवेल ऑफ फार्मर और एग्रीकल्चरिस्ट फॉर एग्रीकल्चरल यूज, मतलब किसान के खेत तक, उसके ट्यूबवेल तक वो बिजली की लाइन बिछाने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रही है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी किसान के ट्यूबवेल तक बिजली की लाइन बिछाने का काम कर रही है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रही है, तो इसके लिए वो फार्मर से जो भी चार्ज लेगी उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये इस बार का अमेंडमेंट है, ये इस बार का अमेंडमेंट है। पॉइंट नंबर थर्टी क्या, सर्विसेज बाय वे ऑफ हायर ऑन, बाय गिविंग ऑन हायर, आप किराए पर देते हैं किसको, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, अपना मोटर व्हीकल किराए पर देते हो जिसकी सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 12 पैसेंजर है। आप अपना मोटर व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 12 पैसेंजर है, आप स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को अपना मोटर व्हीकल किराए पर देते हो, हायरिंग सर्विस देते हो, तो जो आप किराया चार्ज करोगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन के पास कोई बस है, वो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को यानी रोडवेज को अपनी बस किराए पर देता है और किराया चार्ज करता है, तो उस किराए पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई पर्सन अपना मोटर व्हीकल किसी प्राइवेट ट्रेवल एजेंसी को देता है, तो फिर जो रेंट चार्ज करता है उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। और अगर हायरिंग सर्विस दी है, मोटर व्हीकल आपने किराए पर दिया है, जीटीए को ट्रक किराए पर दिया है, जीटीए को लोडिंग टैक्सी किराए पर दी है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो दो पॉइंट हैं यहाँ पर, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को अपना मोटर व्हीकल किराए पर देते हो तो जीएसटी नहीं लगेगा, दूसरा अगर आप जीटीए को अपना ट्रक किराए पर देते हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, फिर आते हैं हम पॉइंट नंबर सी में। पॉइंट नंबर सी क्या है, पॉइंट नंबर सी इस बार से नया ऐड हुआ है। पॉइंट नंबर सी क्या कहता है, मोटर व्हीकल आप ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स और फैकल्टी और स्टाफ के लिए देते हो टू ए पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो पर्सन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स की सर्विस दे रहा है स्कूल को, उस पर्सन को आप अपना मोटर व्हीकल किराए पर देते हो, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बशर्ते आप जिसको अपना मोटर व्हीकल किराए पर दे रहे हो वो उससे स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है। कैसे स्टूडेंट्स को आगे क्लियर दे रखा है, प्री स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट, मतलब स्कूल को। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल आप अपने रजिस्टर में नोट कर लेना। देखिए
मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को अपना स्कूल बस की हायरिंग सर्विस दे रहा है, मतलब मिस्टर एक्स के पास स्कूल बस है, वो मिस्टर वाई को हायरिंग सर्विस दे रहा है, किराए पर बस प्रोवाइड कर रहा है, और मिस्टर वाई उस बस का क्या यूज़ करता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में यूज़ करता है। तो हमने पढ़ा था पॉइंट नंबर 68 में कि अगर कोई पर्सन स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देता है, तो उस पर जीएसटी नहीं है, बशर्ते वो क्या होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। तो हमने वो पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एग्जेम्प्ट है, वो हमने पॉइंट नंबर 68 में पढ़ा था। फिर आइए, हम यहाँ पढ़ रहे हैं हायरिंग सर्विस दी जा रही है, स्कूल बस किराए पर दे रहे हैं आप किसी ऐसे पर्सन को जो आगे स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देता है, तो ये सर्विस भी एग्जेम्प्ट है पॉइंट नंबर 30 में। पॉइंट नंबर 30 में ये सर्विस एग्जेम्प्ट है, अगर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को स्कूल बस किराए पर प्रोवाइड कर रहा है और मिस्टर वाई आगे स्कूल को उस स्कूल बस से ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देता है, तो मिस्टर एक्स जो सर्विस दे रहा है वाई को, मिस्टर एक्स जो सर्विस दे रहा है मिस्टर वाई को, वो हायरिंग सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। ओके, फिर पॉइंट नंबर 82 इस बार का अमेंडमेंट, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू ए प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सो डिक्लेयर्ड अंडर द एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। तो जोधपुर में उम्मेद भवन पैलेस प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं, मतलब एंट्री लेते हैं, एंट्री का टिकट खरीदते हैं, तो एंट्री टिकट के चार्ज पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड सर्विस है। ये इस बार से ऐड हुआ है पॉइंट नंबर 82। इसके अलावा पॉइंट नंबर 91, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें एक फीस पे करनी पड़ती है, उस फीस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर आइए पॉइंट नंबर 96 में, सर्विसेज बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी, जैसे क्लब एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड है अंडर एनी लॉ, अपने मेंबर्स को सर्विस देते हैं, जैसे गोकुल धाम सोसाइटी अपने मेंबर्स को सर्विस देती है टू इट्स ओन मेंबर्स और बदले में उनसे रीइंबर्समेंट ले लेते हैं या कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं, शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं या उनसे चार्जेस का रीइंबर्समेंट ले लेते हैं। तो कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है या नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, अपने मेंबर्स को सर्विस दे रही है एज ए ट्रेड यूनियन, या फिर हम कहें फॉर द प्रोविजन ऑफ कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, नीचे दे रखा है नोट नंबर 1। इस नोट नंबर 1 का कनेक्शन है पॉइंट नंबर बी से। तो देखिए, कोई बॉडी एंटिटी क्लब है, अपने मेंबर्स के लिए हेल्थ केयर कैंप ऑर्गेनाइज करवाता है और बदले में मेंबर्स से रीइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस ले लेता है, कंट्रीब्यूशन ले लेता है अपने मेंबर्स से, हर मेंबर से कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं या रीइंबर्समेंट ले लेते हैं हेल्थ केयर कैंप ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। तो ये हेल्थ केयर सर्विस क्या एग्जेम्प्ट है? तो अपने मेंबर्स के लिए क्या किया, अपने मेंबर्स के लिए प्रोविजन ऑफ कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी, अपने मेंबर्स के लिए हेल्थ केयर कैंप ऑर्गेनाइज करवाया और हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती हैं, ठीक है। या फिर एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर सी, अपने मेंबर्स से अमाउंट चार्ज किया अप टू ₹7,500 पर मंथ पर मेंबर फॉर सोर्सिंग ऑफ गुड्स और सर्विस, अपने मेंबर्स को गुड्स और सर्विस
थर्ड पर्सन से लेकर कॉमन यूज के लिए प्रोवाइड करने के लिए अपने मेंबर्स को इन्हें हाउसिंग सोसाइटी और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। अगर मेंबर्स से कंसीडरेशन 7,500 रुपये पर मंथ पर मेंबर चार्ज किया गया है और बदले में अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड की गई है, गुड्स प्रोवाइड किया गया है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो देखिए पॉइंट नंबर टू, जो ये जो सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं ना, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अपने मेंबर से लेती है, ये पॉइंट नंबर सी में फॉल करेगा। और अगर अमाउंट 7,500 रुपये को एक्सीड नहीं करता है, 7,500 रुपये पर मंथ पर मेंबर को एक्सीड नहीं करता है, तो ये एग्जम्प्टेड सर्विस मानी जाएगी। लेकिन एक खास पॉइंट और, इस 7,500 की लिमिट को कैलकुलेट करने में स्टेचुरी ड्यूस जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं, वो एक्सक्लूड होंगे 7,500 की लिमिट को कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो इस बात को हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। गोकुल धाम सोसाइटी अपने मेंबर्स को से सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस लेती है। अगर 7,500 रुपये तक पर मंथ पर मेंबर है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बदले में वो अपने मेंबर्स को कोई गुड्स और सर्विस दे सकते हैं। और मेंबर से कितना चार्ज ले रहे हैं, 7,500 रुपये पर मंथ पर मेंबर, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर आते हैं हम पॉइंट नंबर 97 में, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ। तो अगेन बात हो रही है अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी की, जो क्या काम करती है, क्या काम करती है, एक्टिविटीज करती है, किसके वेलफेयर के लिए, किसके वेलफेयर के लिए, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल लेबर और फार्मर के वेलफेयर के लिए कुछ काम करती है, एक्टिविटी करती है, ये अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी सर्विस देती है फार्मर्स के वेलफेयर के लिए या लेबर के वेलफेयर के लिए, या फिर प्रमोशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, चैरिटेबल एक्टिविटी या प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए ये काम करती है और सर्विस देती है अपने मेंबर्स को, और मेंबर से फीस चार्ज करती है और मेंबरशिप फीस का अमाउंट 1,000 रुपये पर मेंबर पर ईयर को एक्सीड नहीं करता। 1,000 रुपये पर मेंबर पर ईयर, पर एनम 1,000 रुपये को एक्सीड नहीं करता अगर मेंबरशिप का अमाउंट, तो ये सर्विस एग्जेम्प्ट मानी जाएगी, जो कि एक अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी अपने मेंबर्स को दे रही है। कैसी सर्विस, फार्मर वेलफेयर या लेबर वेलफेयर से रिलेटेड, या प्रमोशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड कोई सर्विस दे रहे हैं। मेंबरशिप फीस 1,000 रुपये पर मेंबर पर ईयर को एक्सीड नहीं करती, तो ये सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी, इन सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगेगा, ये एग्जम्पशन दे रखा है।